से दलजीते मेरी बात मान, हम लोग घर चलते हैं दलजीते। क्यों क्यों माँ, बस एक बार मुझे जाकर उनसे पूछे थे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या गलती थी मेरी, एक बार पूछे थे माँ, प्लीज प्लीज माँ। कोई फायदा नहीं पुत्र, पुत्र कोई फायदा नहीं, तू घर चल मेरे साथ, तू उसे जितनी जल्दी भूलने की कोशिश करेगा ना, वो तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, भूल जाओ उसे। कैसे पूछो मैं, कैसे पूछो, जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, जो कुछ हमारे बीच में वो सब मैं कैसे भूल जाऊंगा। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साहिबा जी से जाके अपने सारे सवालों का जवाब लूंगा, सारे सवालों का जवाब। नहीं, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुझे, और जितनी जल्दी हो सके ना तो इस बात से समझौता कर ले कि वो लड़की तेरी कभी थी ही नहीं, और तो अगर वापस उसके पास चला गया ना दलजीत है तो अपनी खानदान की बदनामी के सिवा तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, और मैं नहीं चाहती कि इस बेशरम लड़की की वजह से पिंड में हमारी बदनामी हो। चल कर चलते। क्यों बात, क्यों ऊपर वाले ने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन कर किसी और की झोली में डाल दी, क्या वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता था, बोलना मां नहीं कर सकता था। साहिबा देखो ना जीत श्री अकाल जी पड़ जाएगी। वीर जी लग रही ना एकदम खूबसूरत शादी के जोड़े में, देख। अरे बॉबी चला देख, मिल के आते चल। मेरी शादी दलजीत जी से हो चुकी है, और मेरी मांग में जो सिंदूर भरा है ना वो सिर्फ दलजीत जी का है। अभी तो वो आजाद घूम रहा है, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल पे उसे सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ दोबारा। क्या सोच रही है साहिबा पुत्र जी, तुझे इतना चुप तो कभी नहीं देखा। पाठी जी आपसे एक बात पूछूं, अगर कोई पत्नी किसी भी मजबूरी के कारण अपना फर्ज ना निभाए तो क्या उसके लिए कोई सजा है? सजा? वो बेचारी तो वैसे ही कांटों के रास्ते पर चल रही है, उसे कोई क्या सजा देगा? मनमीत जी, पूजा का रूम इतना बड़ा है? ओ मनमीत जी, वो तो निराकार है, कण कण में रहता है, उसको इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? ओ भाई ये मेरा पर्सनल रूम हो जाएगा, आगे बढ़ो। मेरा कमरा बड़ा माड़ा जिया छोटा है। अर्जुन तू रख ले इस कमरे को, आ गया। नहीं मैं ये रूम आपको नहीं दूंगा, ये मेरा और बेबे का रूम है। नहीं मैं ये रूम आपको नहीं दूंगा, ये मेरा और बेबे का रूम है। माफ कर दो जी, बच्चा है। शरारती बच्चा है, ओए तू भी रह जाना पुत्र, कोई गल नहीं। रूम भी काफी बड़ा है। मैं क्या जी, इतने सारे कमरों की मैनू कोई जरूरत नहीं है। वो जरूरत हम बनाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं जरूरत बनाऊंगा। मनमीत जी आपको जी इंज तो नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ में कोई जबरदस्ती कर रहा हूं? देखो जी ऐसा है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी बहू ये समझे कि हम उसके पापा जी के साथ में कोई पाजी वाली हरकत कर रहे हैं। आपको कोई परेशानी हो तो बताओ।
परेशानी? आपकी वजह से। ब्यूटी नहीं जी, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपका तो एहसान है कि आप हमें यहाँ रहने दे रहे हैं। हाँ, एहसान तो मैंने आपके ऊपर बहुत किया है, क्योंकि अगर आप बाहर रहते तो आप लोगों को किराया देना पड़ता है। थोड़ा बहुत पैसा आपका बच गया। थोड़ा नहीं जी, बहुत बच गया। बहुत बच गया तो वो किराया आप हमको दे देना। वैसे ये कमरा आप सब लोगों के लिए ठीक है, आप लोग इसमें एडजस्ट हो जाइए। हैं अच्छा, मैं अब चलता हूं, इस स्टील के ग्लास में मेरा जूस पीने का टाइम हो गया है। ये लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अर्जुन जा, मेरे लिए फ्रिज से बर्फ निकाल के ला। जी। अगर कोई पत्नी किसी भी मजबूरी के कारण अपना फर्ज ना निभाए तो क्या उसके लिए कोई सजा है? वो बेचारी तो वैसे ही कांटों के रास्ते पर चल रही है, उसे कोई क्या सजा देगा? वाह, आज तो ना आपके प्यार की दाद देनी पड़ेगी मुझे। आज तो आपने प्रूफ कर ही दिया कि आप कितना दी से प्यार करते हो और कितना हम सब से। मुझे तो ना कभी कभी शक होता है कि मैं आपकी बेटी हूं भी या नहीं। रूप, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही है वीर जी से? अपने बड़ों से ऐसे बात की? अच्छा, और जो आपके वीर जी ने हमारे साथ करा उसका क्या? हाँ रूप, चुप हो जा वरना। वरना क्या? हाँ आप और कुछ कर सकते हो जो इससे भी बुरा हो? चुप कर रूप। वीर जी, ये कैसे बात कर रही है वीर जी? एक मिनट ब्यूटी, हम यहाँ नहीं रहेंगे जी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप हमें कहीं भी लेकर चलिए, हम लोग किराए पे रह लेंगे, लेकिन रोज रोज की बेइज्जती देने से तो अच्छा कि एक बार मर जाए। मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। तो बेबे, क्या आप यहीं रहोगे इन गंदे लोगों के साथ? बेबे, अगर आपको यहाँ रहना है ना तो आप रहो, लेकिन हम सबको। मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती। पता नहीं कितने दिन लिखवा के लाई हूँ मैं इस जिंदगी के, लेकिन जो भी दिन बचे हैं मैं यही कहीं किसी कोने में पड़े पड़े काट दूंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा से यही सोचा था किस घर से मेरी अर्थी जाएगी। तुम लोगों को जो भी करना है करो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन पुत्र, जहां भी जाओ मेरी लकड़ी को आग देने लौट आना। बेबे बेबे, कहीं नहीं जाएंगे बेबे, कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे आपके पास, हमेशा हमेशा आपके पास रहेंगे। <laughs>
की हुआ परजाई जी? कुछ नहीं परजाई जी, मैं सोच रही थी कि ये ना दुपट्टा यहाँ से यहाँ बांध देती तो। बहुत ही चंगा आइडिया आपका, मैं कर देती हूँ। ओ ना ना परजाई जी, मैं कर रही हूँ। कोई गल नहीं परजाई जी, मैं कर देती हूँ। परजाई जी। ओह परजाई जी, तुसे ऐवें मैं भी मदद कर दिया। हेलो जी, परजाई जी सबको बुला लो, खाना एकदम रेडी है। वो मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं परजाई जी, बस थोड़ा सा ही काम था, सब तैयार है, आप सबको बुला लो बस जी। ओए एलो, ए दोनों भी आ गए। ओए पुत्र, चलो चलो जल्दी चलो, खाना एकदम तैयार है, भूख लगी होगी ना, आओ पुत्र। मुझे भूख नहीं है माँ। ओए आ ना पुत्र। हाय रब्बा, ओए तेरे तो पैर में चोट लगी है। परजाई जी ए देखो, खून भी निकल रहा है, साहिबा तो पैर में चोट लगी है। ओ साहिबा वो बैठ ना पुत्र बैठ, ब्यूटी जा ना जरा दवाई का डब्बा ले आ। पुत्र कैसे लग गई? एथे रख पुत्र, एथे रख। हां जी बुला लीजिए। और नाना प्राजी, जरा मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा, ब्यूटी जल्दी लाना। चप्पल कहाँ है तेरी? गुरुद्वारे में रह गई शायद। बताया क्यों नहीं? क्या बताती, थोड़ा दर्द हुआ पहले, लेकिन फिर कांटों पे चलने की आदत हो गई। ठीक है पुत्र? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलो आप लोग पहले कुछ खा लो। आ रणवीर। भूख नहीं है। भूख नहीं है? ओहो प्राची, तुसी तो खाओ ना। अरे वो परजाई जी, एना सब नु खाना डाल दो जी। परजाई जी आओ। चलो पुत्र। चौधरी जी आओ खाना खा लो, तंदूरी कुकड़ बनाए थोड़े वास्ते, आओ आओ। बेबे तुस भी खा लो ना। पुत्र तेन भूख नहीं है तो जाके जल्दी से हाथ मुंह धो लेना, जा छेती कर पुत्र। मैं साहिबा को तैयार करके ना कमरे में लाती हूँ, आज तुम दोनों की सुहाग रात है ना। जा ना पुत्र, तू भी तैयार हो जा छेती छेती। चल होली होली चल, आजा मैं तेन तैयार करती। अच्छा पुत्र आजा, आराम ना आराम। जानता हूं साहिबा, हमारे इस रिश्ते की शुरुआत जैसे हुई है नहीं होनी चाहिए थी। तेरे साथ जो हुआ मैंने जो किया करना चाहिए था।
जानता हूं कि तू अपनी खुशी से मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं साहिबा कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि अपनी बाकी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करने में बिता सकता हूं। सबके सामने वादा किया है मैंने कि मैं तुझे खुश रखूं। मुझे बस एक मौका दे, बस एक मौका। रणवीर, ये फूल देख रहे हो? ये फूल मुझे पाठी जी ने दिया था और मैं ऐसा एक फूल हमारे आंगन में देखना चाहती हूँ। कितना खुश हूं। हम सब भूल जाएंगे, दलजीत जायज कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम सब भूल जाएंगे और फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। बात नहीं मानी। जब मुझे तेरे और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था तो बस साहिबा जी के बारे में सोच रहा था। माफ कर दे, अपने बेटे को माफ कर दे। पुत्र, वो गलतियां तो सबसे होती है ना पुत्र, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। हाँ बाप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मैंने अपने परिवार का दिल दुखाया, तेरा दिल दुखाया, लेकिन आज मैं तुझसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साहिबा जी का नाम इस घर में कभी नहीं लूंगा।